हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरी किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज बड़ा ही यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। इस रेसिपी का नाम है आलू चाट। ये बड़ी ही चटपटी स्पाइसी चाट है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बच्चे बड़े इसे बहुत ही पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए। हम कहीं भी जाते हैं तो आलू चाट देख के मुंह में पानी आ जाता है। तो इस रेसिपी को हम आज घर पे बहुत ही आसानी से बहुत ही चटपटी मजेदार तैयार करेंगे। अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम आलू चाट बनाना शुरू करते हैं। आलू चाट बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लिया है वो है 4 मीडियम साइज आलू, जिसे हमने प्रेशर कुकर में 2 भीसिल से भीसिल आने पर उबाला, फिर छील के ले लिया है। हरी धनिए को हमने बारीक काट लिया है। 2 हरी मिर्च को काट लिया है। 1 टमाटर को हमने बारीक बारीक काट लिया है। 2 छोटे ऑनियन को हमने बारीक काट लिया है। 1/2 इंच अदरक के टुकड़े को हमने काट लिया है। यहाँ पे हम कुकिंग ऑयल यूज करेंगे। 2 बड़े चम्मच हम टोमेटो केचप लिए हैं। नमक स्वाद के अनुसार, रेड चिल्ली पाउडर, सेव भुर्जे, अमचूर पाउडर, काला नमक और चाट मसाला। अब हम गैस की तरफ चलेंगे। गैस पे हमने एक कढ़ाही रख लिया है। अब हम गैस को ऑन कर लेंगे। कढ़ाही गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1/2 प्याज डाल देंगे, 1/2 हम कच्चा मिक्स करेंगे। प्याज को हम अच्छे से चला लेंगे और साथ में हम डालेंगे अदरक, हरी मिर्च और इसे हम 1/2 मिनट तक भूनेंगे। हमें प्याज को ज्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, तो इसे हम चलाते हुए 1/2 मिनट तक भून लेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, प्याज हल्का सा गुलाबी कलर का हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो हम 1/2 टमाटर डालेंगे, थोड़ा सा हम बचा लेंगे कच्चा डालने के लिए और इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक। तो नमक हम अंदाज से ही डालेंगे क्योंकि चाट मसाला में भी नमक होता है। और 1/2 मिनट तक हम प्याज के साथ टमाटर भी भून लेंगे। देख सकते हैं प्याज टमाटर सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। चाट बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, केवल हमें सब्जी भूनने में जितना टाइम लगता है। तो हमने प्याज, टमाटर, अदरक, मिर्च और धनिया पत्ता नमक के साथ हल्का भून लिया है। इसे हमें गलने नहीं देना है। अब हम इस स्टेज पे गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। 1 से 2 बार और चला लेंगे क्योंकि कढ़ाही अपनी गर्म है। तो ये अपना कढ़ाही नॉर्मल हो गया। अब हम आलू की तरफ चलते हैं। अब हम एक बड़ा सा बॉल लेंगे और उसमें हम आलू के पीसेस करेंगे। तो इसे हम बीच से 2 टुकड़ा करके और इसमें 2 या 3 पार्ट करेंगे। बड़ी आलू हो तो आप ज्यादा भी कर सकते हैं। फिर हम इसे छोटे छोटे टुकड़े में ऐसे काट लेंगे। ये उबला हुआ आलू है, बहुत आसानी से कट जाता है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ऐसे ही साइज के हमें आलू काट लेने हैं। तो हम ऐसे ही सभी आलू को काट लेंगे।
करो। तो हमने आलू को ऐसे बीज से काट के दो से तीन पार्ट में काटा और छोटे छोटे क्यूब्स काट लिए हैं। आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं, पर यही साइज सही रहता है आलू के लिए। सभी आलू को हमने काट लिया है। अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो नमक हमने प्याज फ्राई करते टाइम ही डाला था, इसके लिए हम अंदाज से नमक डालेंगे। इस बातों को आप लोगों को ध्यान देना होगा। ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक, अमचूर पाउडर, तो ये चाट है, इसके लिए हम चाट मसाला यहाँ पे 2 चम्मच डालेंगे। इसी से तो चटपटा होता है अपना आलू चाट। रेड चिल्ली पाउडर 1/2 चम्मच हम डाल रहे हैं। आपको ज्यादा तीखा पसंद है तो 1 चम्मच कर लीजिए। अब हम ड्राई मसाले के साथ एक बार अपने आलू को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच टोमेटो केचप। तो यहाँ पे आप इमली का भी चटनी ले सकते हैं, लेकिन आजकल टोमेटो केचप सबके घर में अवेलेबल रहता है और बड़ी आसानी से मिल जाता है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे टोमेटो केचप यूज किया है। अब हमने जो प्याज टमाटर फ्राई किया था उसे भी इसमें डाल लेंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ में हम डालेंगे कच्चा हरा धनिया, प्याज, टमाटर और इसे हम चाट के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे सेव। तो 1/2 सेव हम इसमें अभी मिक्स करेंगे और 1/2 हम डेकोरेशन के लिए रखेंगे। अरे वाह, कितना सुंदर चाट तैयार हो रहा है। इसे बनाते ही मुंह में पानी आ रहा है। तो हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है। आलू चाट बनकर तैयार है। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। तो हम एक प्लेट लेंगे और इसमें हम चाट को डालेंगे। अब हम इसके ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा कच्चा प्याज, थोड़ा सा धनिया पत्ता और थोड़ा सा हम इसके ऊपर सेव डालेंगे। तो अपनी चाट सर्व हो चुकी है खाने के लिए। आलू की चटपटी चाट बनकर तैयार है। ये बड़ा ही मजेदार बनता है। इसे हमने स्पाइसी बनाया है, तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए। आलू चाट तो बड़े बच्चे सभी पसंद करते हैं। हम कहीं भी जाते हैं तो चाट देख के मुंह में पानी आ जाता है। इस चाट को आप घर पे जरूर बनाइए। अगर आज की मेरी ये चाट की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।